देखिए, आज का टॉपिक है अपना, वो है नरेशन का। नरेशन मतलब किसी को कुछ चीज़ बताना। वो हम दो तरीके से बता सकते हैं। पहला तो अपना है डायरेक्ट, यानी बात को सीधी सीधी कह देना, प्रत्यक्ष रूप में कह देना। दूसरा तरीका है अपना इनडायरेक्ट, उसी बात को हम कह सकते हैं अपनी भाषा में लिखकर या बोलकर, अप्रत्यक्ष तरीके से। बात वही रहेगी, उसका कोई मतलब मीन्स चेंज नहीं होगा। दो सेंटेंस है, देखते हैं। पहला सेंटेंस है सीता सेड राम ग्रोज प्लांट्स। दूसरा सेंटेंस है सीता सेड दैट राम ग्रू प्लांट्स। ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, यहाँ इसके दो पार्ट हैं, जो डायरेक्ट नरेशन हम जिसे कह सकते हैं। पहला पार्ट है इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। और दूसरा पार्ट है जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का है, उसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग पार्ट। ये वर्ब है, इस कारण इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब भी कह देते हैं। जो कुछ चेंजेस करने हैं हमें इनडायरेक्ट में, वो डायरेक्ट का जो सेंटेंस है उसी के अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करने हैं। और क्या क्या चेंज करने हैं वो हम आगे स्टडी करेंगे। यानी ये मतलब हम समझ गए कि डायरेक्ट का मतलब है वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों लिखकर या बोलकर, ये डायरेक्ट हो गया। दूसरा हम इनडायरेक्ट को समझ सकते हैं, वक्ता द्वारा कही गई बात को अपनी भाषा में लिखकर या बोलकर, वो हो गया इनडायरेक्ट का। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियमों को निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। पहला है असर्टिव, बी है अपना इंटरोगेटिव, सी है इंपेरेटिव, डी है ऑप्टेटिव और ई है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। यानी इनको हम आगे स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी होनी चाहिए, जो नेक्स्ट पेज पे है। सबसे पहला अपना रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो, फिर से सुने, ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो क्या करना है, से को बदल देना है टेल में, सेज को टेल्स में बदल देना है, सेड को टोल्ड में बदलना, आस्क्ड में बदल सकते हैं या फिर ऑर्डर्ड में बदल सकते हैं, या फिर जो सेंटेंस में जैसा बाहर आ रहा है, सजेस्टेड है, एडवाइज्ड है, उसके अकॉर्डिंग। वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि वो इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, असर्टिव है, ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी, उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यदि ऑब्जेक्ट है तो, लेकिन मान लीजिए ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो हम नहीं बदलेंगे। यानी वहां पर से है तो से ही रहेगा, सेड है तो सेड ही रहेगा, उसको हम टोल्ड में या फिर से को टेल में नहीं बदलेंगे जब तक हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। तब ऑब्जेक्ट है तो बदल देंगे। देखिए, सेकेंड नियम है अपना डायरेक्ट नरेशन जो दिया गया है उसमें, एक तो टू, यानी ऑब्जेक्ट होगा, टू के बाद में होगा रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग पार्ट की बात हम कर रहे हैं, यानी उसमें से टू को हटा देंगे जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तब कोमा हटा दिया जाएगा, इन्वर्टेड कोमाज हैं वो हटा दिए जाएंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है वो हटा दिया जाएगा। तीसरा नियम है वाक्य के अनुसार कंजेक्शन का प्रयोग करें। सिंपल सेंटेंस है, जैसे हम दैट का यूज कर सकते हैं, इंटरोगेटिव है वहां पे इफ या वेदर का यूज कर सकते हैं, इंपेरेटिव वहां पर हम टू का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कंजेक्शन का यूज करते रहेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है डायरेक्ट वाले वाक्य में दिए गए विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस को असर्टिव में बदला। यानी सेंटेंस आपको कोई भी दिया गया हो, आपको बदलना है उसको असर्टिव में, साधारण बना देना है, साधारण वाक्य बनाना है। नंबर पांच पे है नियमानुसार टेंसेस, टेंस बदलने हैं, प्रोनाउन में हमें बदलाव करना होगा। वर्ड्स डिनोटिंग नियरनेस ऑफ टाइम एंड प्लेस, दूसरे शब्दों में हम एडवर्ब कह सकते हैं, उसमें हमें परिवर्तन करना होगा, बदलाव करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखनी है, रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड कोई वाक्य आए हो या हैबिचुअल फैक्ट, आदत से संबंधित कोई बात, प्रोवर्ब हो सकती है, इडियम हो सकता है या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट हो सकते हैं। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ की हम बात करते हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सार्वभौम सत्य वाली बात है, इसको हम नहीं बदलेंगे। हैबिचुअल फैक्ट की बात कर लेते हैं हम, जैसे
बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये उनकी आदत हो गई तो हम इसको नहीं बदलेंगे। जैसे प्रोवर्ब की बात करें या इडियम की हम बात करें, जैसे फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, इसको हम नहीं बदलेंगे। हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है, उसकी हम बात करते हैं, उसको भी हम नहीं बदलेंगे। जैसे हम बात करें इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम नहीं बदलते हैं।